समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जातपातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठाकर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद। जिस दिन तुम वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही लोगों के भेजे हुए हैं ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज से 5 साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे ना। अरे बोलिए बोलिए, आप कहते हैं कि हमने रिश्वत ली है, बेईमानी की है। अरे हम कहते हैं हाँ, हमने रिश्वत खाई है। कोई कहता है 12 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कोई 16। आप जानते हमने कितना कमाया है? 62 करोड़, 62 करोड़, 60 और 2। हाँ, अरे सोचिए तो सही, अगर 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड़ कमाए होंगे? हिसाब लगा सकते हैं आप? अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये रुपया, ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है। बेईमानी का पैसा किस रास्ते से कमाया जाता है, ये अब हमें पता चल चुका है। आप लोग कहते हैं कि हम बेईमान हैं। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर हैं, मगर हम क्या हैं? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, इनका बांडा फोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए। पर हमारी बेईमानी की कमाई गई कहां? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पैसा कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। पर वो ईमानदार लोग भीख का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवाजे पर अपना वोट लेकर और उनसे विनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट स्वीकार करो। वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े हैं, आधी जवानी कल्याण। आप लोगों में यही तो खराबी है, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहाँ है? वो 62 करोड़ हम बैंक में रखा है, और ये रही उस बैंक के लॉकरों की चाबियां। 62 करोड़ बैंक में है। आप कहो कि हम बेईमान है, रिश्वतखोर है, धोखेबाज है, बोलो। अगर लोगों को कुर्सी पर बिठाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए।
सो भावना मुख आपके पास जानना चाहता, चुनाव में आप अंश लिया, भागीदार हुआ, क्या किसी भी एक पार्टी किसी भी आप कुछ साथियों, पहली बात कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मानवाधिकार का एक्टिविस्ट हूं और पिछले 31 वर्षों से भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में हम लोग काम कर रहे हैं। भारत के 36 राज्यों और भारत से बाहर 13 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। आपके इस बरसाती में इस क्षेत्र में पहली बार आया और यहाँ के जो मनुष्य का जो रहने का जीवनचर्या जो मैं देख रहा हूँ, एक जानवर की तरह एक नाली के ऊपर और गंदी नाली के ऊपर रह रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना है जहां 5-5 लाख रुपये मिलते हैं मकान बनाने के लिए, और वहां ये जो इस तरह से जो हमारी एक पुरानी शहर कलकत्ता है और इस जगह पे जो मैंने ये नालियों के ऊपर ये जो 1000 से ज़्यादा परिवार यहां रह रहे हैं, घरें रह रहे हैं, उसमें कई परिवार हैं, अगर एक में अगर हम 4 या 5 मान लें तो 5,000 या 10,000 के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख है, बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसे हालात में हमारे बंगाल के साथी रह रहे हैं, जबकि बंगाल बहुत ही पुराना शहर है, इन्हें ज़्यादा विकास होना चाहिए था, अच्छा घर होना चाहिए था, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए था, और इसीलिए मानवता को बचाने के लिए, मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, मानुष के जो उसके अधिकार हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हैं रोटी कपड़ा मकान का, उसे दिलाने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जिसका एब्रिविएशन एहरा नेशनल पार्टी एक लॉन्च किया गया है कि ताकि हम अपने सभी जो हमारे पुराने और जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों का जो समस्याएं हैं उसको हम लोग पार्लियामेंट के अंदर ले जाएं, विधानसभा के अंदर ले जाएं, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाने कि हम देश के अंदर हमारे किस तरह से हमारे मानुष रहते हैं, और हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर को भी मालूम हो कि हमारे बंगाल के अंदर किस तरह से ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मानवाधिकार के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर होना चाहिए। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, हम लोग यहाँ से कैंडिडेट को उतारा है, हमारे यहाँ का देवाशीष इंदिरा हमारे कैंडिडेट है, बरसात में हमारे अशोक भट्टाचार्य जी हैं, हमारे और बाकी क्षेत्रों का भी हैं जहाँ पे हम लोग 3-4 दिन कलकत्ता का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझें कि मैं एक राजनीतिक की तरह बात कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के अंदर जो उसकी समस्या, मूलभूत जो समस्या है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ के हमारे लड़कियाँ, यहाँ के हमारे लड़के जो साथी हैं, उस सभी का सहयोग से हम एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। जो योजना और परियोजना जो सरकार की है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, उन सभी को बराबर मिल सके, बराबर हक मिल सके, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ বুঝলে রাজু, তুমি ঠিক সময় পেশেন্টকে হসপিটালে নিয়ে এসেছিলে, আর 5 মিনিট দেরি হয়ে গেলে ওর হাতটা কাটতে হতো। বারিশ নেই হুয়ে তো ফসল কহাঁ সে হো গই, ফসল তো 100% বরবাদ হই হে। মারে 7 একর জমিন ছে, પણ 1 રૂપિયાની વીમા પાત્ર કઈ રકમ અમને મળી નથી કોઈ જાતની, અને દુષ્કાળ જાહેર કર્યો પડતરી તાલુકાની અંદર, તો એ બારામાં એને કઈ ઇનપુટ સહાય આપી છતાંય વીમો અમને 0% આપ્યો છે, અમારે 90% નુકસાન છે, મગફળી અને કપાસનું ફસલ અમારે લઈ છે, અહીં કે 90% પાક નિષ્ફળ ગયો છે, છતાંય વીમો અમને ચૂકવો નથી, પાણીની સમસ્યા છે, પાણી આવતું નથી। વેલકમ ટુ ભાવના મુખ્સ ફર્સ્ટ পলিটিক্যাল এপিসোড। আমরা কি বলতে চাই আপনাদেরকে, এই সময়কার সবচেয়ে বড় বড় চ্যানেলের কিছু ক্লিপিং দেখাবো, এবং প্রথমে একটা ছবি দেখালাম, সেটা হচ্ছে 45 নিউজ পেপার কাম টুগেদার টু ব্রিং সলিউশনস
বেস্ট নিউজ, সমাধান ভিত্তিক খবর। প্রথম খবর হচ্ছে গুজরাটে বর্ষা হয়নি, ক্রপ নেই এবং তারা ক্রপ ইন্স্যুরেন্স পায়নি। প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীর প্রথম স্কিম ছিল ক্রপ ইন্স্যুরেন্স। ক্রপ ইন্স্যুরেন্সটা কি? চাষিরা একটা টাকা দেবে ইয়ারলি বা মাসিক, তাদের যদি ক্রপ না হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটি তাদেরকে কম্পেনসেট করবে। কিন্তু তারা টাকা পায়নি কেন? তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে, এর দুটি কারণ আমি বলবো। এক হচ্ছে টাকা পায়নি তারা ডাইরেক্টলি বলছে, সেখানে আমাদের ঢুকে কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, আপনি যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন তাহলে আপনি কি করতেন? আপনি যদি চাষি হতেন 72 বছরের প্রবলেম সলভ করার জন্যে নতুন প্রাইম মিনিস্টার নিউ প্রমিসেস, তাহলে আপনি কি করতেন? আমি কি করতাম সেটা বলি, তারপরে আপনিও বলবেন, কারণ আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবেন, ভিডিও করে সাইডওয়েজ হয়ে ক্যামেরাটা ধরবেন। আমি হলে আগে চাষিদের একটা ওয়েবসাইট খুলতাম, ভারতবর্ষের যে কজন চাষি আছে তাদের ফ্যামিলি মেম্বার কত আর তাদের কত বর্গ জায়গা, এবং তাদেরকে এক হতে বলতাম মাসে 100 টাকা দিয়ে। প্রচুর গরিব চাষি দিতে পারত না, কিন্তু প্রচুর বড় চাষি বিঘা প্রতি 100 টাকা দিতে পারতেন। এবার দেশবাসীকে বলতাম সিলিন্ডার ফিলিন্ডারের গল্প না গিয়ে, মানে বাথরুম টাথরুমের গল্প না গিয়ে, যে আপনারাও 100 টাকা দিন। 135 কোটিকে একটা জায়গা আনার একটা চেষ্টা। আমরা আধার নিয়ে লড়লাম, পিএম মোদীকে দেখলাম আধার নিয়ে লড়তে, জিএসটি নিয়ে লড়তে, ডিমনিটাইজেশন নিয়ে লড়তে, কিন্তু চাষিদেরকে এক করবো এটা নিয়ে লড়তে আমি দেখিনি, এত ভাষণেও শুনিনি। তাই আজকে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স তারা পাচ্ছে না, তাহলে সবাইকে এক করে দিলাম, 100 টাকা উঠে গেল, তাহলে মাসে ওই 500 টাকার জায়গায় আমি 15,000 টাকা দিতে চাইতাম, তাহলে কি হতো? তারা নিজেদের সমস্যা নিজে মিটিয়ে নিত, সবচেয়ে বেশি এমপ্লয়মেন্ট ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে হতো, গ্রামের লোকেরা যারা শহরে এসে লেবারের কাজ করছে তারা গ্রামে ফিরে যেত, ফিরে আসতো অর্গানিক ফার্মিং, এবং যেহেতু আমি 15,000 টাকা দিচ্ছি আমি সব কিছুর এগ্রিমেন্ট করে নিতাম, 2 টাকা কেজি চাল, 2 টাকা কেজি আলু, 5 টাকা কেজি ডাল, এইভাবে সব এগ্রিমেন্ট হতো। কারণ আমাদের টাকায় তারা ফার্টিলাইজার কিনবে, আমাদের টাকায় তারা জল কিনবে, আমাদের টাকায় তারা শৌচালয় বানাবে, আমাদের টাকায় তারা সব করবে। তাহলে আমাদের টাকায় যদি করে, আপনি যদি কাউকে অ্যাডভান্স পয়সা দেন এই কাজটি করার জন্যে, তাহলে কি হলো, এগ্রিমেন্ট হয়ে গেল, স্টিল সে বেচার জন্য পয়সা পেলো, গভর্নমেন্টও বেচার জন্য প্রফিট করলো, তাহলে আপনি 100 টাকা দিয়ে হয়তো মাসে 1,000 টাকা বাঁচিয়ে নিলেন। এটাকেই শেয়ার মার্কেট বলে, যেখানে এরা ইচ্ছে করে ঢুকতে চায় না, তারা চায় না দেশের সমস্যার সমাধান হোক। তাহলে আপনাদের কি করতে হবে? আপনাদের 100 জনকে এক হতে হবে। 10,000 টাকা তুললেন, 200 টাকা দিলে 20,000 টাকা তুললেন, 20% ফিক্স করুন আপনাদের এমার্জেন্সির জন্যে এবং চাষিদের হাতে তুলে দিন। তাহলে 100টা মানুষ 200 টাকা 20,000 টাকা যদি তোলে, তারা ভারতবর্ষের একটা চাষির পাশে দাঁড়িয়ে একটা সমস্যার সমাধান করতে পারবে, এবং আপনারাই আমাদের নিউজ হতে পারবেন।